सब कोई सुसाय नहीं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यह सबक का दिन ना हम सबों के जिंदगी में दिया था और आज हम बोलेंगे कि सबक के दिन में उसकी आराधना कर सके और ये संध्य समय में हम फिर से हो सकते हैं इस परिवार में। ये भी परमेश्वर की क्या योजना है कि हम यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक क्या है हमारे जिंदगी में गवाही हो सकता है कि हम शायद यहाँ पर नहीं हो सकते और आज यहाँ पर हो सकते हैं। और प्रभु के नाम से हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं और उसके नाम को धन्यवाद हम दे सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं हमारे जिंदगी में परमेश्वर का बहुत आश्चर्य आश्चर्य काम जो होते हैं वो शायद ही हम क्या कर सकते हैं उसको बताएंगे तो मैं सोचता हूँ वो खत्म ही नहीं होंगे। इतने सारे आश्चर्य काम हमारे जिंदगी में परमेश्वर इतने बड़े, लेकिन क्या हम उसके प्रति धन्यवादित होते हैं? हमें धन्यवादित भी होना चाहिए। हमारी जिंदगी में हम आश्चर्य कामों को देखते हैं परमेश्वर को और उसको हम सुनते हैं गवाही के रूप में, किसी के जिंदगी को बदला हुआ देखकर किसी का जिंदगी को क्या करते हैं हम देखते हैं कि वो पहले कैसे था अभी कैसा है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं देख के हम भी खुद गवाही दे पाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम वचन की ओर जाए, इससे पहले हम देखेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्य काम हमारी जिंदगी में और धन्यवाद देना कितना ही महत्वपूर्ण है। दुआ करें स्वर्ग विराजमान अति दिन दयालु परमेश्वर, हम इस समय तेरे पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो हमारे बीच में दे लिए प्रभु, ताकि जो वचन इस समय हम सुनेंगे वो हमारे अवसर में और आपके अवसर हुए और हम इसके वजह से प्रभु हम तेरे करीब अपने आप को दुआ मंथन दान करते समस्या का पवित्र। चलिए आप समर्पित बाइबल है तो हम जाएंगे भजन संहिता 136 का 1, 2, 3 और 4। भजन संहिता 136 यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो क्या भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। सही में परमेश्वर जो यहोवा हमारे बीच उपस्थित रहता है वो क्या है धन्यवाद के योग्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो क्या है भला है और उसकी करुणा उसकी दया उसका आशीष हमारे ऊपर सदैव बना हुआ है। हम भूल जाते हैं उसको क्या करने याद करें। कभी कभी मैं अपनी जिंदगी में भी सोचता हूँ शायद अपनी जिंदगी कभी अगर हम हड़बड़ी में रहते हैं हम बगैर दुआ किए क्या कर सकते घर से निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमेशा हमारे संग रहता है। मैं कभी कभी ऐसा होता है तो मैं फिर कहता हूँ कुछ छूट गया है तो मैं क्या करता हूँ मन मन में स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसे में जब हम प्रेयर करते हैं तो वो क्या करता है हमें अगुवाई देता है सहारा देता है और वो दया जो प्रभुओं का प्रभु है हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो प्रभुओं का प्रभु है। वही सारे संसार का सृष्टि करता है उसको हमको क्या करना है धन्यवाद देना है और उसकी दया हम पर बना हुआ है। हम जितने भी पाप में क्यों ना जुड़े हुए ये भी तो हमेशा क्या करता है हाथ बढ़ा हम वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और हम निकालना चाहता भी है, लेकिन हम इतने क्या है उसकी ओर अपने आप को ले जा सकते हैं कि नहीं। चुनाव किसको करना होता है हमें करना है। वचन कहता है वे उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। सही में सबों के जिंदगी में कोई ऐसा ऐसा
घटना घटा हो। देखिए जब हम वो परमेश्वर के करीब आए, क्या है वो हमारे लिए रास्ता खोल देता है। भाई बस घटना तो हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा कलकत्ता सियालदह रूट जो हावड़ा रूट है बहुत क्या व्यस्त रूट है क्या, और इसमें अगर वो वेटिंग भी कभी कंफर्म नहीं होता है ना, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह से मैं बोलूँगा आज टिकट वेटिंग था मेरा, लेकिन फिर भी कंफर्म है। क्या होता है प्रेयर के लिए आप कहीं कुछ करेंगे परमेश्वर करता है। ये ज़्यादा पता बहुत दिनों का बाद नहीं, कई महीनों का पहले का बात है, तो क्या बोलते परमेश्वर ऐसा काम करता है। लेकिन हमें क्या आना चाहिए, बुद्धों को आना चाहिए, दुआ करना चाहिए, और उसका आश्चर्य काम जो है हमारे जिंदगी में हम खुद देख पाए। चलिए देखेंगे होता है अय्यूब की पुस्तक उसका 5 का नंबर, जब अय्यूब की जिंदगी को हम देखेंगे उसका जिंदगी तो बोलेंगे सबसे दुख भरा जिंदगी, शायद हम तो शायद झेल भी ना पाए ऐसा जिंदगी, एक साथ इतने दुखों का संदेश आने, फिर खुद को क्या है उस अवस्था में देख पाना, वो भी किसी बोलेंगे आम इंसान की जिंदगी में सहन शक्ति से भी बाहर, हमको कुछ हो जाता है हम क्या कहते हैं हाय हाय करते हैं, है कि नहीं, हाय हाय करते हैं। क्या कहते हैं वचन शुरू कर दिए पर 5 का नाम हो वह तो ऐसे बड़े काम करता है इसकी थाक नहीं लगती और उसने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जाते, हम नहीं काउंट कर सकते उसके ब्लेसिंग को। जो आश्चर्य काम हमारे जिंदगी में करता है अगर गिने जाए तो बहुत मुश्किल। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे एक बार हम लोगों को लिखने के लिए पेपर और कलम दिया गया था, कितना आपको मिला है ब्लेसिंग लिखिए, पेपर खत्म हो जा रहा है खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग को बोला गया इतना ही करो, टाइम दिया हुआ था, लेकिन हम लोग इतना सारे अगर बचपन से हम लोग गिनते आएंगे तो कम होगा, बहुत कम, इसकी था नहीं लगती होता है पर। और होता है कि वचन की करता है कि जो गिने नहीं जाते। आज के परमेश्वर आश्चर्य कारण इसको याद नहीं हो सकता, हुआ होगा और आने वाले समय में भी आपकी जिंदगी में वो करेगा, लेकिन आपको क्या करना है इसके करीब। वचन कहता है यूहन्ना 15:16 क्या कहता है आप किसी को याद है तो बता सकते हैं, हमने तो परमेश्वर को नहीं चुना, उसने हमें सुना है। और आगे क्या कहता है, अरे बेटा तुम्हें नियुक्त किया है, यूं ही नहीं छोड़ा है, कहीं चुना वो नहीं, आपको ठहराया भी है। और वचन कहता है यहाँ पर कि होता है कि तुम जाकर फल लो और तुम्हारा फल बना रहे। अगर हमारी जिंदगी को परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को हम देखना चाह रहे हैं, जो आशीष हमारी जिंदगी में है उसको हम हमारे जीवन तक ही सीमित ना रखें, उसको क्या करना है बांटना है। अय्यूब की जिंदगी में तो हम तो देखते हैं उसकी जिंदगी में क्या था, दुख ही दुख भरा हुआ, लेकिन क्या उसने परमेश्वर की जो अच्छे बातें हैं जो अच्छे क्या संदेश उसने पाया था जो शिक्षा उसने पाया था उसने रखा अपने पास। यहाँ तक 3 साथी जो थे उनके साथ में पहले को 7 दिन क्या थे वो लोग मौन थे, जब उन्होंने अपना मुँह खोला तो क्या हुआ उनके विरोधी खोला, लेकिन
अयुब कभी भी हम वचन में पाते हैं परमेश्वर के विरोध खड़ा हो नहीं पाता है। जो हमने जो वरदान हमने पाए, जो आशीष हमने पाई, उसको हम कैसे कर रहे हैं दूसरों को बढ़ाते वचन को देखेंगे हम अंत करेंगे भेजेंगे पहला कौन थी उसका 10-13 गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ पर कहता है कि हमारे सहन से भी बाहर ऐसा परीक्षा तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अभी तक नहीं डाला है। और क्या बता रहे परमेश्वर सच्चा है। हम झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा हो सकता हूँ, मतलब नहीं बोलूँगा शायद आप सच्चे हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद अपने जिंदगी में देखता हूँ तो क्या होता है मुझसे भी गलतियाँ होती है, कभी कभी झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, तो मैं सच्चा हो सकता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या है सच्चा है। क्या बोलते हैं फिर वह तुम्हें देखिए कितना आश्चर्य कर्मों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ तक कि इतना हमें क्या देगा वो शक्ति देगा कि हम क्या कर सके उस दर्द को उस पीड़ा को क्या कर सके हम सह सकते हैं। विशेषकर जैसे बोला जाता है कि महिलाओं का तो विशेष पीड़ा कब होता है जब गर्भावस्था में रहती है तब क्या बच्चा कम दे सकते उस समय भी कौन मदद करता है परमेश्वर निकालने के लिए क्या है उसके पास उपाय सामर्थ्य है शक्ति है। जैसे हम पाएंगे बहुत अच्छा वचन दिखाता है ना तो बस ना शक्ति से पर किसके आत्मा के द्वारा कहता है इसलिए ना अपने वरण परीक्षा के साथ निकास परमेश्वर इतना सामर्थ्य है हमें अकेला करने नहीं छोड़ता आपकी जिंदगी में हो सकता है मेरी जिंदगी में हो सकता है आप कहीं गिर सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। और वही मत्ती 28:20 में भी कहा है कि नहीं वो हमें क्या करेगा अंत तक वो हमारे क्या रहेगा साथ रहेगा साथ रहेगा। धन्यवाद वो जो कार्य हमारे जिंदगी में करता है उस कार्यों को हम क्या करें अपने तक सीमित ना रखें उसको क्या करें हम बताएं कैसे हमें दुआ ही दे ताकि उसकी धन्यवाद हमारी जिंदगी में तो आज भी कल भी और युगान युग रहेगा ये हमारा विश्वास होना चाहिए तभी हमारी जिंदगी में काम करेगा जो हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं।